कल्याणपुर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए बड़ी मात्रा में डोडा पोस्त बरामद करने में सफलता प्राप्त की। पुलिस ने मुखबिर की इत्तला पर नाकेबंदी कर एक ट्रक की तलाशी ली, जिसमें आटे के कट्टों के बीच छुपाया गया 980 किलो डोडा पोस्त पकड़ा गया। पुलिस ने ट्रक चालक को गिरफ्तार किया। बालोतरा से अनिल वैष्णव की रिपोर्ट। मादक पदार्थों के खिलाफ पुलिस की लगातार कार्रवाई जारी है। विधानसभा चुनाव को देखते हुए पुलिस की ओर से मादक पदार्थों की तस्करी की रोकथाम को लेकर धरपकड़ अभियान चलाया गया है। इसके तहत पुलिस को नित्य कामयाबी मिल रही है। मंगलवार को कल्याणपुरा पुलिस ने कार्रवाई करते हुए बड़ी मात्रा में डोडा पोस्त बरामद करने में सफलता प्राप्त की। पुलिस ने मुखबिर की इत्तला पर नाकेबंदी की। इस दौरान एक ट्रक को रुकवाकर उसकी तलाशी ली तो उसमें आटे के कट्टों के बीच में छुपाए गए 980 किलो डोडा पोस्त बरामद किए गए। मैं अपनी पुलिस थाने की टीम के साथ थाने के सामने नाकाबंदी शुरू की तो एक ट्रक जोधपुर से बाड़मेर की तरफ जाने वाला आया, उसको रुकवा के उसकी पूछताछ की तो आटा की बोरियाँ भरी होना बताया। जब हमने ट्रक को चेक किया तो ट्रक के अंदर डोडा होना पाया गया। ट्रक चालक से पूछताछ की तो बताया कि मेरे सामने एक अभी गाड़ी जा रही है जो मेरा एस्कॉर्ट कर रही है। हमने अपने जाब्ते के भेज के गाड़ी का पीछा किया। पीछा करने पर हमने जो एस्कॉर्ट की गाड़ी थी उसको भी दस्तयाब किया। दस्तयाब करने बाद में जब हमने गाड़ी की तलाशी ली तो उसमें 980 किलो डोडा पोस्त मिले। हमारे SP साहब के निर्देशानुसार रोज की कार्रवाई के लिए आदेश। डोडा पोस्त बरामद होने के बाद पुलिस ने ट्रक चालक को गिरफ्तार किया, साथ ही ट्रक को एस्कॉर्ट कर रहे दो अन्य आरोपियों को भी धर दबोचा। पुलिस गिरफ्तार तीनों आरोपियों से सख्ती से पूछताछ कर रही है। इसमें तस्करी के कई राज खुलने की उम्मीद है।